आपको देखते हैं, तो पावर का रिलेशन जो है हमारा पे है वो पी इज इक्वल टू वी और आई। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये यूज किया था, ये वॉट यूनिट आ गए। तो पी इज इक्वल टू वी आई, दैट विल बी द रिलेशन ऑफ पावर जो मैंने अभी ये जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था कि ये एक वोल्टेज सिग्नल और एक ये करंट सिग्नल दे दिया था। ये किस लिए दिया था? कि टू मेजर द वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे मेजर करना है अपने आयरन लॉसेस को, तो मैं क्या करूंगा कि इसके अक्रॉस एक करंट मेजरमेंट्स लगा दूंगा। करंट मेजरमेंट्स मेरी किधर गई, तो ढूंढनी पड़ेगी फिर। चलिए वो लाइब्रेरी से ले लेते हैं, यहाँ पे करंट मेजरमेंट्स। ठीक है, तो करंट मेजरमेंट्स क्या हो जाएंगे मेरी, ये सीरीज में आ जाएंगे। जो मेरी वोल्टेज है वो इधर पैरेलल में आएंगे। ठीक हो गया, और वोल्टेज का जो सेकंड टर्मिनल है वो इधर लगा देंगे हम। अच्छा, ये प्राइमरी के ऊपर मैं एक ये करंट के क्रॉस डिस्प्ले लगा देता हूँ, करंट मेजरमेंट चौक। ये मुझे क्या देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट, और ये वोल्टेज के क्रॉस लगा देता हूँ। और इसके साथ मैं ये भी लगा देता हूँ कि अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए वोल्टेज और करंट की, तो ये वोल्टेज सिग्नल यहाँ पे है, करंट सिग्नल है आपका। ये करंट एम्पेयर मीटर जो है वो सीरीज में लग रहा है आपके सिस्टम में। ठीक है, ये जहां जहां पे भी लगेगा सीरीज में लगेगा, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। ये वोल्टेज सिग्नल आ गया आपका, और ये पावर कैलकुलेट करेगा ये वोल्टेज। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर अगर आप देख रहे हो तो ये ऊपर। ठीक है, तो आयरन लॉसेस के लिए हमने, या कॉपर लॉसेस निकालने हो, आयरन लॉसेस को क्या कहते हैं हम, ओपन सर्किट लॉस, और कॉपर लॉसेस को क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट लॉस। उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है वो जस्ट शॉर्ट कर देंगे। मैं ये यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसको रन करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके ये करंट आ रहा है, ये वाटेज आ रहे हैं। इसको एक दफा सिमुलेशन को चलने न दें। ठीक है, तो ये मैं वोल्टेज की दिखा रहा हूँ आपकी। हाँ, तो ये आपकी देखिए आ रही है पावर की रेटिंग ये सारी, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में वो ये जो इंडक्टिव भी, वो उसकी इंडक्टिव इंपैक्ट भी है और उसका रेजिस्टिव इंपैक्ट भी है। तो ये तकरीबन 0.02 वाट तकरीबन आ रहा है, 0.025, बहुत माइनर वैल्यू आ रही है इसकी जो है ना लॉसेस की। तो अगर हम करंट की देख लें इसकी, तो स्कोप के साथ भी देख लें इसके वोल्टेज और इसके, तो करंट का भी वो भी हमने लगाया, इसलिए उसमें दी कोई नहीं वैल्यू, बहुत माइनर। ये देखे 0.000 ये वैल्यू आ रही है उसकी, और ये वोल्टेज की जो हमने दी हुई है वो तो एज इट इज आ जानी है। तो अगर हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी हमारे पास जो है वो आयरन लॉसेज आ जाएंगे। हम इस वोल्टेज और इस करंट को मल्टीप्लाई
करते हैं तो हमारे पास आयरन लॉसेस अब ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये देखें, अगर करंट की भी फॉर्म को आप देखें तो ये आ रही है आपकी तकरीबन 0.35 × 10⁻³ mA। ठीक है, ये करंट की वैल्यू है, यानी कि 0.0035 ये करंट की वैल्यू आ रही है आपकी। और अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म देखें तो ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही है। ठीक है, वो चूंकि हमने पीक वैल्यू 90 दी हुई है तो वो एज इट इज आ रही है जो हमने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये 89 तो वो तकरीबन 89 शो कर रही है। तो स्कोप भी हमारी ये देखें, ये लाइन 90 की, तो ये तकरीबन चूंकि ये मैंने टाइम इंटरवल 0.01 दी है, अगर मैं इसको टाइम इंटरवल ज्यादा दे देता हूँ, मैं लेट्स सपोज इसको 1 देता हूँ ताकि आपको एक बड़ा फिगर क्लियर सी नजर आ जाए कि हो क्या रहा है, गेम क्या है। तो ये सिमुलेशन चलती रहेगी, इसको चलने दीजिएगा जरा, ताकि हमारी जरा कुछ वेव फॉर्म्स जो है ना वो कुछ अच्छी सी बन जाए, जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी दें। तो ये हम ओपन सर्किट लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन आवर सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट, और इसको हम जो है वो आइडल लॉसेस भी कहते हैं। अब वो लॉसेस क्या होते हैं कि आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दें P = VI, तो वाटेज निकल आते हैं हमारे, या हमने साथ में ये भी रिलेशन है और साथ में हम या ये जो मेजरमेंट वाट मीटर जो जिसको हम कहते हैं वो लगा दें तो वो भी हमें बता देता है कि हाउ मच वाटेज जो आयरन लॉसेज है वो जो है वो अकर्ड हो रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास है इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो ये लगी हुई है, ये वोल्ट मीटर, ये करंट मीटर लगा हुआ है, ये वैल्यू दे रही है, वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, करंट की आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आपके आयरन लॉसेज आ जाएंगे आपके, इसको हम कोर लॉसेज भी कहते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट ये वी नॉट फॉर नो लोड, आपकी सेकेंडरी के ऊपर कोई नहीं लगा हुआ है, नॉट फॉर नो लोड करंट यानी कि आपके क्रॉस सेकेंडरी के ऊपर कोई लोड नहीं लगा हुआ है, ओपन सर्किट है। तो ये वी नॉट आई नॉट का फार्मूला है, P = VI, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपके आयरन लॉसेज आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये आयरन लॉसेज आप चेंज भी कर सकते हो। इसको चेंज करने का वे ये है कि आप इसकी जो अपने ट्रांसफार्मर की जो पैरामीटर्स हैं वो आप इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो एक दफा ये सिमुलेशन चल ले थोड़ी देर, फिर हम इसको देखते हैं। ये अभी 0.061 सेकंड के लिए चलिए। तो ये जितना जिसका सिस्टम अच्छा होगा उतना इसका सिमुलेशन टाइम कम लगेगा, जितनी रैम अच्छी होगी सिस्टम की उतना ही सिमुलेशन टाइम जो है वो थोड़ा होगा और जल्दी सिमुलेशन जो है वो हो जाएगी आपकी। जितना आपका सिस्टम वीक होगा, रैम कम होगी, उतना टाइम ज्यादा लगेगा सिमुलेशन को। ठीक है, तो ये था ओपन सर्किट टेस्ट में। तो अभी हम जो इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे एक्सपेरिमेंट में, वो ये होगा कि आपकी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम आमतौर पर नॉर्मली कॉपर लॉसेस भी कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जस्ट आपने क्या करना है कि जो सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट कर दें, या आप यूं कह लो कि उसमें उसके क्रॉस कोई लोड लगा दें या उसको वैसे शॉर्ट कर दें। तो जब हमारी सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो देन आवर कॉपर लॉसेज विल अकर, तो हमारे उस वक्त कॉपर लॉसेज आएंगे। और जब आपकी सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है वो ओपन होगी तो देन वी कैन कैलकुलेट द आयरन लॉसेज, और जब आप सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे तब भी आपकी जो आपके जो लॉसेज हैं वो हम प्राइमरी साइड से ही कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज और करंट के रिलेशन से ही। ठीक है, तो ये अभी तकरीबन 0.1, इसी तरह 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इतना होगा, तो देन जो है ना ये हमारे पास जो है वो एक नॉर्मिनल पीक बना देगा।
उस इसी दौरान हम जो है ना ये जब तक चल रहा है हम एक शॉर्ट सर्किट की फिगर बना लेते हैं ताकि वो भी हमारा काम हो जाएगा साफ। ओ ये रुक गया, इसको ऑटो स्केल कर। तो ये देखें ये टाइम बढ़ा दिया मैंने, ये तकरीबन 0.147 टाइम के लिए। तो ये अगर आप पूरे 1 सेकंड के लिए यानी के 1 के लिए करोगे तो ये काफी आपको लंबी चौड़ी ग्राफ आ जाएगी। और ये अगर आप वोल्टेज की देखोगे तो ये भी है, ये देखें ठीक है। ज्यादा सिमुलेशन टाइम के लिए चलाओगे तो ज्यादा आ जाएगी, पावर रेटिंग की देखोगे तो वो भी आ जाएगी। इसी तरह ही आपकी ऑटो स्केल करते जाओ, ये आपकी पावर आ रही है रिएक्टिव पावर, ये एक्टिव पावर आ रही है, ये तकरीबन 0.0982, ये सेम ही है दोनों। ये तकरीबन आपका जो इस वक्त आइडल लॉसेस है वो तकरीबन है 0.0982 वाट। तो ये ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कि आप अगर इसकी ये पैरामीटर चेंज कर दो, वाइंडिंग पैरामीटर, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस यहाँ से चेंज कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, आपके ये मैग्नेटाइजेशन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस चेंज कर दोगे तो आपकी ये जो वैल्यू ऑफ लॉसेस जो आयरन लॉसेस वो बढ़ते जाएंगे ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं सेकेंडरी को, तो देखते हैं हमारे पास क्या इम्पैक्ट आता है ठीक है। ये मैंने सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिया और अब मैं इसको 0.5 दे देता हूँ। तो अब आप सिमुलेशन को देखते हैं अपनी, तो वोल्टेज उतने ही आएंगे, कितने आपके हैं वो तकरीबन 89 रखे हुए हैं हमने, वो 89 आएंगे। करंट आपका ये आ रहा है माइनस, और ये पॉजिटिव में भी जाएगा, वो करंट बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि सेकेंडरी के लोड के क्रॉस कोई करंट नहीं होगा, तमाम का तमाम करंट जो है वो रिवर्स में फ्लो हो जाएगा, जो रिवर्स में हो जाएगा आपका, और ये आपकी पावर रेटिंग आ जाएगी। तो इसको आप यूं देखेंगे, ये आपका कॉपर लॉसेस आ जाएंगे जिसको आप कह देंगे कि सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी द शॉर्ट सर्किट। तो इसको आप ये तकरीबन 0.1 सेकंड के लिए चलने देते हैं ताकि हमें कुछ स्कोप के ऊपर रिजल्ट्स मिल जाए। अच्छा जब आप इसको पूरे इस 0.5 सेकंड टाइम के लिए चलाओगे तो उस वक्त इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे एज कम्पेयर के आप इसको थोड़े टाइम फ्रेम के लिए चला दो। यहाँ पे देखें जैसे ये 0.041 सेकंड के लिए चल रहा है, तो अगर जब तक आप इसको ये 0.5 तक नहीं लेके जाओगे उस वक्त तक आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी रिजल्ट में। रिजल्ट तो ये अब दे देगा लेकिन ये इतनी एक्यूरेसी में नहीं देगा ठीक है। तो इसको पॉज करके अगर हम करंट की देखें तो ऑटो स्केल करें तो ये देखें आपका करंट जो है अच्छा, वो चूंकि मैंने स्टॉप नहीं किया इसलिए वो नहीं दे रहा। तो ये करंट की वेव फॉर्म आ गई, ये देखें ये तकरीबन करंट देखें अगर आप, तो ये अप टू 2.5 एम्पेयर तक जा रहा है क्योंकि सेकेंडरी शॉर्ट हो गई। अच्छा वोल्टेज आपके उतने ही होंगे जितने हमने दिए हुए हैं, वो डेट विल बी 89 है ठीक है। तो ये आप अगर ज्यादा सिमुलेशन टाइम के लिए चलाओगे तो ये पूरी साइनोसाइडल वेव आएगी और वो ही आपने अपनी रिपोर्ट में अटैच करनी है, प्योर साइनोसाइडल वेव। और ये पावर के केस में अगर हम देखें